एक साल का एनटीटी कोर्स करके आए हैं और स्कूलों में लगे हुए हैं, तो उनको प्रेफरेंस सरकार देगी? आपने देखा ना, अभी जो पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल ही चल रहा है। सीतारमन जी तो फाइनेंस मिनिस्टर है, RBI है, आप उनसे पूछते हैं कि इनकी ट्रेजरी का हाल क्या है। चारों मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश के बेस्ट होंगे। नहीं, अब अर्थव्यवस्था में सुधार हो गया, एक दो महीने में सब करेंगे। नमस्कार, आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं और आज हमारे साथ बातचीत के लिए मुख्यमंत्री जी हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, और इनसे आज बात करेंगे इनकी सरकार के दो साल के कार्यकाल, क्योंकि दो महीने के बाद पूरा होने जा रहा है, और इस दौरान ये सफ़र कैसा रहा और साथ में जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट के, उन पर जो अब तक काम हुआ है और आगे के जो लक्ष्य हैं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कृपया कि दो साल का जो सफ़र है आपका, वो कैसा रहा? 11 दिसंबर 2022 को ऐतिहासिक रिज मैदान पर शपथ ली, तो उसके बाद जब मेरे अधिकारी और कर्मचारियों से बैठक हुई तो ये पता लगा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, और प्रदेश को अगर पटरी पर लाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमें फैसले करने पड़ेंगे। मैं एक महीना तक कैबिनेट का विस्तार नहीं किया, और पूरी उसकी जो पहला, क्योंकि मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूँ, तो पूरा उस ढांचे को समझा, और जो पैसा जनता का लुटा दिया जाता था उसको रोकने की कोशिश की। एक उदाहरण देना चाहूँगा, चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियाँ बांटी जनता के पैसे, डबल इंजन की सरकार थी। जब सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को 6th pay commission दे दिया तो उनका एरियर क्यों नहीं दिया? वो भी नहीं दे सके। फिर कहा कि डीजल पर हम 5 रुपए बैट कम कर देते हैं, जबकि हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड से 5 रुपए कम करने के बाद और कम हो गया। फिर कहा कि सरकारी बसें चल रही है जिसकी 1 लाख की इनकम है, उसको भी 50% सब्सिडी महिलाओं को दे देते हैं। फिर कहा कि 900 इंस्टीट्यूशंस खोल दिए हैं, अगर इन 900 इंस्टीट्यूशन को खोल देंगे, पर इस पे कर्मचारी नहीं लगेंगे, सिर्फ नोटिफिकेशन होगी, क्योंकि भर्तियां होने में कहते 2 साल लग जाएगा। फिर कहा कि सब बिजली के, चाहे वो 5-star होटल्स है चाहे अदानी है, उनको कहा कि 1 रुपये पर यूनिट बिजली की सब्सिडी मिलेगी। ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी जब जनता ने, मैंने उन अधिकारियों से को बताया, जब जनता ने उनको नहीं जिताया तो हमें जिताया है, तो उन्होंने कहा जी फैसले लेने हैं, पब्लिक विरोध करती है, तो क्या आप फैसले लोगे? मैंने बोला, मैं जब मैंने शपथ ली तो मैंने पहले दिन से कहा कि मैं सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आया हूँ, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूँ। 40-50 साल से एक व्यवस्था चल रही है, उसमें फैसले नहीं लिए जाते हैं। कहा यह जाता है कि मेरा तो सिर्फ 5 साल का टर्म है, आगे में डालो मुझे क्यों। मैंने पहले दिन से फैसला लेना शुरू किया, पहली बार प्रदेश में एक महीने के बाद कैबिनेट का विस्तार, और मैंने देखा कि हिमाचल भवन, हिमाचल सदन, PWD रेस्ट हाउसेज में मंत्रियों को, MLO को, XML को 100 रुपये का कमरा मिलता है, पत्रकार बंधुओं को 100 रुपये का कमरा मिलता है, आम आदमी जाएगा तो उसको 1200 रुपये लगे। हमने कहा कि चाहे MLA जाएगा, चाहे मंत्री जाएगा, चाहे मुख्यमंत्री जाएगा, चाहे कोई पत्रकार बंधु जाएगा या कोई और अधिकारी जाएगा, अधिकारी को भी उनको 1200 रुपया देना पड़ेगा, इक्वल कर दिया। तो तकरीबन हिमाचल भवन, हिमाचल सदन जो दिल्ली में, उसके 10 करोड़ रुपए की जनता के पैसे की बचत हुई। छोटा अमाउंट है ये, ऐसी नहीं, लेकिन एक सोच थी कि हम इस सुधार में आगे बढ़ेंगे, और उस सुधार में हम आगे बढ़े। ये वो प्रदेश है जहां 22 से 28 लाख गाड़ियां हिमाचल के लोगों के पास। फिर हमने कहा कि शराब के ठेकों की नलामी से हमें कितना पैसा मिलेगा, रिन्यू करके कितना मिलेगा। अब देखिए मल्होत्रा जी, कि शराब के ठेकों की
रिन्यू करके 4 साल में 450 करोड़ आया, 4 साल में, 4 साल के ना, एक साल पिछले 4 साल में, जिसमें जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, यानी कि 18 से 22 में सिर्फ 450 करोड़ आया। मेरे पास भी शराब के ठेकेदार आए, बहुत प्रेशर आया कि आप इसको रिन्यू ही करिए 10% जैसा क्रम चल रहा था, कोई उंगली नहीं उठाएगा, 10 से 12-11% कर दीजिए, कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी के समय से चल रहा था। राजनीतिक दृष्टि से भी कई लोगों ने मुझे कहा, मैंने कहा कि मैं इस प्रथा से नहीं बढ़ना चाहता हूँ, मैं एक बार ऑक्शन करवाना चाहता हूँ, फिर चाहे आने वाले वर्षों में रिन्यू कर देंगे जैसे पहले। और मैं आपको बताऊं, मेरे इस फैसले से 450 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा ट्रेजरी में आया। और एक और बात बताऊं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मैं मानता हूं कि 80-90% लोग गांव में रहते हैं, गांव के लोगों को, किसान को, गांव में रहने वाले आम आदमी को कुछ नहीं मिलता। फिर मैंने लगा गांव की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, तो उसके लिए साधन लुटा दिए जा रहे हैं। अगर 24,000 करोड़ रुपया हम सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पेंशन में देते जो विभागों में लगे हुए हैं, HRTC, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बिजली बोर्ड, ये अलग है, इनका अलग खर्चा लगा दिए, तो हम प्रदेश में समाज के किन वर्गों को और को आगे बढ़ना है, जहां हमें सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को भी देखना है, तो गांव में रहने वाले आम आदमी को भी देखना है। इस दृष्टि से हमने फैसले लेने शुरू किए, और मुझे खुशी इस बात की है कि उस फैसलों का परिणाम आना भी शुरू हुआ है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि पहले दूध का रेट बढ़ता था 2 रुपए, गाय के दूध का रेट बढ़ा दिया जाता 2 रुपए, 32 रुपए था, मेरे बजट ने उसको 45 रुपए कर दिया। भैंस का दूध था 45 रुपए, मेरे बजट ने उसको 55 रुपए कर दिया। और आपको बताऊं क्या परिवर्तन आया, जो 1,10,000 रुपया, 10 लाख लीटर, 1,10,000 कलेक्शन थी, वो बढ़कर 2 लाख। फिर मैंने कहा कि जिसने गायें रखी होगी तो हमें प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहिए, और प्राकृतिक खेती को जाने के बाद मैंने गेहूं का मूल्य गोबर आधारित जो गेहूं पैदा करेगा वो 40 रुपए फिक्स कर दिया, पहले राज्य बना हिमाचल प्रदेश, और 30 रुपए हमने मक्की कर दिया। इस तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जिसको MSP बोलते, जिसे MSP बोलते हैं, इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा में पहली बार 75 साल के इतिहास में सोचा गया, और अब मुझे खुशी है कि हम उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो जो सोच और परिणाम है उसके लिए समय लगता है, 5 से 10 साल लगते हैं, लेकिन हमने सोचना शुरू किया, और अधिकारियों की ये खुशी है कि उन्होंने भी सोचना शुरू किया इस बार। दूसरा सर, ये जो आर्थिक सुधारों का एक दौर है, चाहे करेक्शन हो रही है, जो जो ध्यान में चीज़ें आ रही हैं, या आप ये कहिए कि जो फ्री में चीज़ें देने की एक आदत बना दी हुई थी उससे हम सरकार अब हट रही है, तो ये और क्या ऐसा आगे कोर्स आपको और दिख रहा है जिसमें और करेक्शन की ज़रूरत है? नहीं, फ्री में चीज़ें देने की से सरकार हट नहीं रही, ये गलत कह रहे हैं। फ्री की चीज़ें उस गरीब आदमी को देनी है जिसको ज़रूरत है। मैं अगर 10 लाख रुपए इनकम टैक्स देता हूँ तो मुझे फ्री की चीज क्यों मिले? मेरा क्वेश्चन ये है, जो 10 करोड़ वाइल्ड फ्लावर हॉल वाले, 5-स्टार होटल वाले इनकम टैक्स देते, उनको भी पानी की सब्सिडी मिल रही थी, बिजली की 1 रुपए सब्सिडी मिल रही थी, अदानी कितने लाखों करोड़ रुपए का है, उसको क्यों सब्सिडी दे? तो मेरा लड़ाई वो है कि जो गरीब आदमी जो दे नहीं सकता उसको हम सब चीजें सहूलियत पैदा करें, और जो दे सकता उससे हम पैसा, उसको हम ये ना सोचे कि मेरे को उसने ओबलाइज कर दिया और मैं इस चीज़ को इग्नोर करूं, जिसकी उपेक्षा पिछले कई सालों से होती रही, मैंने उस पर कुठाराघात किया। तो मेरे को ठीक है कि कई लोगों को मेरे प्रति नाराजगी हो सकती है, मेरे कई लोग होते हैं सरकार चलाने में, अधिकारी होते हैं और भी कई लोग होते हैं, तो उनसे नाराजगी हो सकती है, लेकिन मेरा इस फैसले से आम गरीब आदमी का जो हक बनता है वो उसको मिलना चाहिए जी। आपने सर इस बार विधानसभा के सत्र में भी कहा था, जब ये फाइनेंशियल चीज़ों की बात आई, कि पूर्व सरकार ने जब हम रेवेन्यू सरप्लस थे उस वक्त भी जो कर्मचारियों की देनदार थी उसको पेंड किया, उसको आगे क्लियर नहीं किया, उसके बाद सरकार को अब ये कोर्स लेना पड़ा कि जो
लोन का ब्याज है उसको बचाने के लिए सैलरी और पेंशन का भी शेड्यूल अलग से बनाना पड़ा है। हालांकि इस महीने पहली तारीख को ही सैलरी मिल गई है पिछले महीने वाली, तो आगे जो आगे की कार्य योजना है वो सरकार की क्या है, मतलब हम फाइनेंशियल मॉडल के हिसाब से अगर देखें तो अगले क्या सोच है? देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते जो कैश फ्लो मिसमैच था जी, उसको ठीक करना था। ये आर्थिक स्थिति से जुड़ा नहीं है, ये फिस्कल डिसिप्लिन से जुड़ा है। कोई बोले आर्थिक स्थिति है तो कोई आरबीआई से आज तक ओवरड्राफ्ट नहीं लिया, राइट? ट्रेजरी में ओवरड्राफ्ट नहीं। और दूसरा तो ये जो चर्चा हुई ना, ये बिल्कुल गलत चर्चा है, ये बिल्कुल गलत चर्चा है। कैसे हम स्थिति में बीजेपी ने पूछा, मैं बताना चाहता हूँ। जीएसटी कंपनसेशन जो हमको मिलता था 5 साल से, वो जून 2022 में बंद था, राइट? बीजेपी की सरकार। और जब ये सरप्लस हुए 18-19 में, तो जो हमको आरडीजी आती थी, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, वो आई 10,000 करोड़ जी, फर्स्ट ईयर में ज्यादा 10,000 करोड़ आई। तो इनको सब सरकारी कर्मचारियों को देना चाहिए था और उसका सदुपयोग करना चाहिए था, लेकिन ये रूटीन चलते रहे। जैसे गवर्नमेंट आती है ना जी, फिर 5 साल के लिए आती है, हमने उसको स्थिति को सुधारा है। और 3 करोड़ रुपया आपका कितने साल से आपका इंटरेस्ट के रूप में, जो हम पेंशन पहली तारीख को देते थे और जो सैलरी पहली तारीख को देते थे 2,000 करोड़, उसका 3 करोड़ आरबीआई 7.5% के हिसाब से काट लेता था। कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट था। तो मैंने जब फाइनेंस की मीटिंग ली तो मैंने बोला, ये 3 करोड़ रुपया हम किस चीज़ का देते? कहते जब हम लोन के समय ये पैसा होता, मतलब एडवांस लोन नहीं, सैलरी देने के। तो मैंने बोला इसको हम कैसे मिसमैनेज करेंगे? तो हमने कहा कि जो 24-25 तारीख के बाद जो हमारा और जगह पैसा निकलता है, उसको हम थोड़ा रोक के, किसी के ठेकेदार की पेमेंट देनी है किसी की, उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करके हम ये इसको पेंशन पे को पहले सेटल करते हैं, वो सेटल होगी जी, और फिर उसके बाद पेंशन को सेटल कर रहे हैं। तो अब हमारा पैसा जो 3 करोड़ लगता था, वो हमारा घटकर 1 या 1.5 करोड़ लगेगा, बाकी 2 करोड़ की बचत होगी और साल की 24 करोड़ की होगी। 24 करोड़ की बचत से मैं जो गरीब आदमी है उनका फायदा करूँगा। तो ये चीजें, ये तो एक दिशा है। फिर बिजली में क्या हुआ, आप बिजली के प्रोजेक्टों को आपने बेच दिया। हमारा बजट है 58,000 करोड़ रुपए का, क्योंकि मैं थोड़ा इसलिए डिटेल में देना चाह रहा हूँ ताकि कुछ चीजें जो है जनता के पास भी ठीक जाए। और 58,000 करोड़ का, उसमें 4,000 करोड़ का होल है। होल का मतलब है कि 4,000 करोड़ है ही नहीं है। अच्छा, है ही नहीं। हुआ ऐसे कि जैसे हमने वाटर सेस लगाया तो उसका हमने एस्टीमेट लगाया बजट में 1,800 करोड़ आएगा, आया नहीं। फिर वैसे कई होल होते हैं, तो हमारा बजट रह गया 54,000 करोड़ का। तो मैंने कहा कि यार, ये 54,000 करोड़ का बजट है तो हमारा रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? हम कैसे रेवेन्यू बढ़ेंगे? तो हमें एक सोच के साथ आगे बढ़ना है। तो मैंने उसका टारगेट फिक्स किया कि 31 मार्च हम 2027 तक, या 5-6 महीने आगे उससे 2028 तक, हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, राइट? तो उस दृष्टि से मैंने काम करना शुरू किया। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस जो हमने सोचा था, हमारी सरकार ने सोचा था, हमारे मंत्रिमंडलों की प्रेजेंटेशन में हमने सोचा था, उसमें हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हम 2027 तक आत्मनिर्भर हिमाचल की जो हमने कल्पना की थी वो पूरी हमारी हो जाएगी। ओके, तो सर इस साल अब उसमें अब एक दो चीज़ें हो बताऊँ कि बिजली में क्या होता था। अब SJBN हमारा बजट पहुंचा 58,000 करोड़ का, जिसमें 4,000 करोड़ का होल है, वो हमारे ही पानी से 67,000 करोड़ की कंपनी बन गई। कितने साल में बनी? 30 साल। तो क्या हम अपने प्रदेश को 10 साल में समृद्धशाली और अमीर राज्य नहीं बना सकते? मैंने उसमें चेंजिंग की है। लुटा दिया जाता था प्रदेश का पैसा, लूट लिया जाता था गरीब किसान और आम आदमी के पैसे को, मैंने स्ट्रिक्टली कहा। और जो नेग्लिजेंसी हुई, कोर्ट में केस हो जाते थे, उसके खिलाफ 8-8 महीने तक अपील नहीं होती थी, कैबिनेट फैसले कर देती थी कि इसको इतना पैसा वापस कर दो, इस सरकार ने कर दिया, उस सरकार ने कर दिया, कोर्ट ने कर दिया, हमने उसमें स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया। और आज मैं कह सकता हूँ कि जो पानी है वो हमारा बहता हुआ सोना है। और देखिए विडम्बना, देखिए SJBN बन गई 67,000 की, हम रह गए 54,000 के, 75 लाख जनता 54,000 करोड़ की। मैंने कहा
हिमाचल के हक को ना हम बिकने देंगे ना लूटने देंगे, और जो हिमाचल के हक है मैंने पॉलिसी चेंज की, बीजेपी ने उसको भी लुटाया। 12, 18, 30 और 40 साल बाद उस प्रोजेक्ट को वापस किया। इन्होंने क्या किया, 12% ले लिया फ्री रॉयल्टी और उसके बाद कहा कि जिंदगी भर तुम्हारे पास रहा। मैंने उसको किया जीएसडब्ल्यू के ऊपर हमने नोटिस दिया कि आप हमारा 6% नहीं दे रहे इसमें, हम आपके प्रोजेक्ट टेक ओवर कर लेंगे। एसजेबीएनएल को मैंने नोटिस दिया हुआ है कि 12, 18, 30 और 40 साल नहीं देंगे, हम टेक ओवर करेंगे। मेरे पास अधिकारी भी आए कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। मैंने बोला वो फाइनेंस मिनिस्टर होकर मैंने सोचा, और मैं आपको बताऊं कि 12, 18, 30 भी लेंगे, सानन भी लेंगे, और जो रॉ मटेरियल है। एक और मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, बिजली का रेट तो बढ़ जाता है, बिजली किससे बनती है, रॉ मटेरियल से बनती है, तो रॉ मटेरियल हमारा पानी है, उसका तो रेट कभी नहीं बढ़ा ना, वो तो भगवान ने जितना बरसाया जितनी भी दे। तो जब उनके बिजली के फिनिश गुड बिजली है उसके रेट बढ़ जाते हैं तो हमें 12% क्यों है। हम उस पानी पर जिनके प्रोजेक्ट फ्री हो गए तो हम कुछ लेवी लगाएंगे उस पर। देखिए ना, अगर माइनिंग में अगर थर्मल पावर लगाना तो कोयले का रेट में आप उसमें सेस लगा के बढ़ा देते, हमारे पानी में नहीं होता। तो ये सोच मैं सोचा और मैंने कहा कि इसमें अब करूंगा, इसकी मैं जल्दी बैठक करने वाला हूँ, और जो यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर हिमाचल के नदियों से जा रहा है उन पर हम लेवी लगाएंगे, और जो वाटर सेस का वो एक्स्ट्रा है वो लगाएंगे, और फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट एडवर्टाइजमेंट करेंगे, चाहे पंप स्टोरेज है चाहे कुछ है, कि ये कंडीशन, इसके बाद आप बताओ कितना देना। तो अगर जब हम ये प्रोजेक्ट लगाएंगे 5 साल में हमारे पास ऐसी आय होगी कि आप सब पत्रकार बंधु जो है ना, तो आपके भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ेगा कहीं बोल्ड जी। अच्छा सर, एक बजट में अनाउंसमेंट की थी निर्मला सीतारमण ने, जब हिमाचल की आप प्रकृति आपदा से नुकसान भी हुआ, आप लोगों ने वहाँ काफी स्ट्रॉन्गली बात मल्टीलेटरल असिस्टेंट हिमाचल के लिए, और बाकी स्टेट्स के लिए ग्रांटी रेट कहा था, तीन के लिए और चौथा हिमाचल के लिए असिस्टेंस कह दिया था। अब उस उन दोनों में तो बड़ा डिफरेंस है, दोनों शब्दों में दोनों के इम्पैक्ट अलग रहे हैं, सारी चीजें हैं, तो स्टेट ने किस तरह अपनी बात आगे रखी है। हमने क्या दिया है, जब हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी सरकारी कर्मचारियों, हमारे लोन की लिमिट को कम कर दिया था। पहली बात किसके कारण, कि हमने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी, ओल्ड और अधिकारियों को वो दी। सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने का फैसला राजनीतिक नहीं था, मैं खुद कर्मचारी का बेटा हूँ, वो एक सामाजिक था। मैं कई बार कहता हूँ कि मेरी माता जी बड़े बड़े स्वाभिमान से आज भी हमें 500 रुपया, यहाँ बुजुर्गों के पॉकेट होती है ना छोटा सा बटुआ होता था, उससे निकाल कर देती। अगर हमने राजनीतिक लाभ लेना होता तो हम 2027 में देते ओल्ड पेंशन स्कीम, हमने पहली कैबिनेट में, क्योंकि हम सामाजिक तौर पर अपने हिमाचल के जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी उनको मजबूत करना चाहते हैं, उनके मन में ये चिंता ना रहे कि रिटायरमेंट के बाद कट्ठा पैसा मिलेगा, बच्चे के मुंह में आके खो दे और फिर उनके पास जीवन यापन के लिए पैसा ना रहे। इससे क्या होगा कि उनको एक निश्चित समय में हर महीने उनको पता कि हमें पेंशन मिलेगी, जीवन भर पेंशन मिलेगी, तो उनको खर्चा अपना बढ़ दिया जाएगा। तो जब हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी तो इन्होंने हमारा ये लोन का कट कर दिया। फिर सरकारी कर्मचारी ने जो अपना अंशदान दिया हुआ है, उनका अंशदान तो है ही, पर सरकार ने भी तो उनको 13% 14% अंशदान दिया, वो 92 करोड़ रुपया उनके पास पड़ा हो, वो बोलते हम नहीं देंगे तो पेंशन रेगुलेटरी फंड में पड़ गए। चलिए हम वो बात भी मानते हैं, जो डबल इंजन की सरकार थी बीबीएमबी से अभी तक अपना एरिया क्यों नहीं ले आ सकी, और जो भी जयराम ठाकुर जी उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि क्यों नहीं दिया एरिया तुमने, और उसके बाद ये भी पूछा जाना चाहिए कि आप ने हमारे कट लगाकर क्या आप बताना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नड्डा जी आया और बोला कि हम खैरात नहीं ले रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हमारा हक है, सेंट्रल स्टेट टैक्सेस का यहाँ से पैसा जाता है, आप ही टैक्स देते हैं 9%, वो हमारा हक है, हमारी जनता का हक है। तो अगर आप ऐसे आके यहाँ बोलोगे और कुछ करोगे नहीं, सिर्फ भाषण ही दोगे तो अच्छी बात है, हम कर रहे हैं, हमें करने दीजिए, 5 साल हमारे को जनता ने मैंडेट दिया, 5 साल बाद जनता जो फैसला करेगी वो मंजूर होगा, लेकिन प्रदेश के हित को हम सर्वोपरि रखेंगे, प्रदेश को ना तो लुटने दिया जाएगा और ना ही लुटाने दिया जाएगा। तो ग्रांट चाहिए कि असिस्टेंस चाहिए। अब मल्टीलेटरल असिस्टेंट में नड्डा जी ये बताइए कि आपने ये, हमको तो असिस्टेंट चाहिए, ग्रांट होगी कि हमको लोन लेने के लिए, बोल रहे कि जो हमारी लोन की लिमिट है ना कैपिंग भी कर दी। yes, yes, yes.
एक्सटर्नल बोरिंग की इन्होंने कैपिंग कर दी 3 साल की, उसी में बोल रहे हैं, वो तो हमको मिलना ही है। तो बहुत चलाकी से उन्होंने हमारे साथ सतीला व्यवहार किया है, हमें असिस्टेंस दे दीजिए, और असिस्टेंस नहीं देनी तो आप हमारा पीडीएन 93-92 करोड़ वो दे दीजिए। ये सब चीजें राजनीतिक सोच के साथ से करते, लेकिन प्रदेश की जनता को अपने पांव पर खड़े होने के लिए हम फैसले लेंगे। और पीडीएन के लिए भी मैंने दबाव डाला है, और मल्टीलेटरल असिस्टेंट से ज्यादा हमारा ये रहेगा कि अगर आपने कैपिंग नहीं करनी है तो कुछ और फार्मूला है तो हम देखेंगे। और मैं आपको बताऊं क्या होता है, 100 रुपए में से 72 रुपए मिलते हैं हमको, 80% का 10% होता है, बिल्कुल 72 रुपए मिलते हैं। तो हमें असिस्टेंस दीजिए, जब आपने असम को दिया असिस्टेंस, स्पेशल असिस्टेंस उनको ग्रांट दी, उनको स्पेशल असिस्टेंस दी, ग्रांट ही थी, मल्टीलेटर नहीं थी। बैंक मल्टीलेटर है कि आप एक्सटर्नल बोरिंग लोगे, एडीबी, वर्ल्ड बैंक, जायका, एएफडी, इनसे लेंगे। हम क्यों लें, जब आपने असम को, उत्तराखंड को और सिक्किम को आपने ग्रांट दी है स्पेशल असिस्टेंस के तौर पर, हमें भी दे दो। लेकिन वो इस चीज को नहीं देते है और राजनीति करते है, लेकिन प्रदेश की जनता भली भांति। अच्छा सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप आपने लिया है ये प्रशासनिक ट्रिब्यूनल वाला, इसको दोबारा बहाल करेंगे, लेकिन अभी बीच में कहाँ वो प्रोसेस, थोड़ा बड़े लंबे समय हो गया, अब बीच में शायद सिलेक्शन का इशू है कि क्योंकि कर्मचारियों को अब ऐसा भी लग रहा है कि जैसे होता है ट्रिब्यूनल एक ईजी एक्सेस हो जाता है, हाई कोर्ट में केस जाते हैं तो वो सरकार के लिए भी, एम्प्लॉइज के लिए भी, दोनों तरफ के लिए वो है। ट्रिब्यूनल बनाने के पीछे क्या सोच थी और ये कब तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि फंक्शनल हो जाएगा? नहीं, ट्रिब्यूनल होना चाहिए ताकि जल्दी फैसले हो सके, और वो क्योंकि वो विधानसभा चुनावों से पहले था। अब मुझे उसको थोड़ा ध्यान नहीं है, कब केस है मैं पता करूंगा, आपने याद करवाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण सर जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है, अभी जब सरकार बनी उसके बाद पेपर लीक का एक मामला सामने आता है जिस पे सरकार ने स्ट्रॉन्ग एक्शन भी लिया, उसके बाद दोबारा से आरसीए का गठन हुआ। अब जो युवा हैं, क्योंकि हम लोग डेली जो बुलेटिन करने वाले लोग हैं वो बार बार फीडबैक या कमेंट बॉक्स में बार बार यही चलता है कि हालांकि पब्लिक सर्विस कमीशन को जितनी भर्तियां थी वो हो गई, लेकिन अब क्योंकि सारा शिफ्ट काम हमीरपुर की तरफ को होना है तो हम उसको कब तक पूरी तरह से इतना फंक्शनल कर पाएंगे कि जैसे सरकार ने भर्ती दी और अपनी एजेंसी के द्वारा वो परीक्षा कर सकते। देखो अभी 1200 पुलिस की भर्तियाँ निकली, और हमारी 200 डॉक्टरों की भर्ती निकल रही है, 600 नर्सों की भर्ती निकल रही है, और बहुत पोस्टें निकल रही है। और इसके अलावा जब तक रेगुलर नहीं आ जाते तब हम टेम्परेरी तौर पर भी लोगों को लगा रहे हैं ताकि जल्दी हम भर दें। तो निश्चित तौर पर जो इनके 2020 से बेचारों के जीओआईटी 817 केस फंसे हुए थे वो हम कोर्ट में लड़े, और कोर्ट में लड़ने के बाद उन पर फैसला करके उनको अपॉइंटमेंट्स लेटर दे दिए। तो एक साल में तकरीबन हमने ही, मैं अभी मान लूँ जो हमारे पिछले 2 साल में, तो 15-20 हज़ार रोजगार तो दे दिए। तो उसमें 1600 तो क्लास 1 के ऑफिसर्स के रोजगार दिए, अभी पिछले दिनों पब्लिक सर्विस कमीशन के गए थे कि हमने इतने रोजगार दे दिए। हर जगह पोस्टें निकल रही है, और जब साधन होंगे तो पोस्टें भी ज्यादा होगी। तो पहले साधनों को मजबूत करना पड़ेगा, साधन मजबूत कर रहे हैं, फिर हमारे अभी मेरे ख्याल मल्टीपर्पज वर्कर आईपीएच में भी कोई 3-4 हज़ार लोग लग गए, तो काफी चल रहा है। फॉरेस्ट गार्ड के निकल रहे हैं, फॉरेंसिक में लिख रहे हैं, या जी यूनिवर्सिटी में निकल, काफी चीजों में निकल रहे हैं, तो रोजगार मिल रहा है। राजा चयन आयोग का गठन हो गया, तो अभी वो राजा चयन आयोग से भी पोस्टें निकलेगी, पब्लिक सर्विस कमीशन से भी निकलेगी, और भी चलेगी सब चल। अभी आज भी आपको लोग मिले जो मिलते रहते हैं, मुझे लगता है एनटीटी वाले जो लेडीज हैं कि वो 1-2 साल वाले डिप्लोमा में से भर्ती प्रक्रिया तो शुरू हो गई, एजेंसी को भी चली गई, लेकिन अंदेशा ये है कि 2 साल के डिप्लोमा वाले ज़्यादा है नहीं स्टेट में जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से हैं, तो ये 6200 के आसपास तो पोस्ट हैं भरने को, बड़ा बड़ा फिगर है, तो इस पे क्या फिर योजना है? नहीं, अगर 2 साल वाले नहीं मिलेंगे, पहले तो 2 साल, तो बेचारे जो 1 साल का एनटीटी कोर्स करके आए हैं और स्कूलों में लगे हुए हैं, तो उनको प्रेफरेंस सरकार देगी। इस बारे में मैं स्पष्टता से बता देना चाहता हूँ, हमने अपने बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन करनी, क्वालिटी एजुकेशन में हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पर पहुंच गया। तो जो बेचारे 1 साल वाले जो स्कूलों में पढ़ा रही है हमारी बहनें, या तो अगर 2 साल वाले नहीं मिलेंगे तो उनको प्रेफरेंस देंगे जी। और कई जगह तो हम करेंगे कि जहाँ आंगनबाड़ियाँ बंद होगी तो बेचारे वही भी पढ़ा लें जी। और एक मसला सर सिर्फ आपके ध्यान में लाने के लिए है, ये सवाल की तरह नहीं है,
वो है कि जैसे कैबिनेट सब कमेटीज आपने अलग अलग बना रखी हैं, उसमें एक है रोजगार वाली जो जिसमें विजिलेंस के केसेस में जो भर्तियां फंसी हैं, तो उसको थोड़ा सा क्योंकि बड़ा डिले हो गया, मतलब इन बच्चों को भी लग रहा है अब कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि विजिलेंस और बाकी जो सेक्टर्स हैं इनकी तरफ से वो रिप्लाई उतना एफिशिएंटली आ नहीं रहा शायद सब कमेटी ने, या एक बार वो देख लें। लेकिन बिजली बोर्ड जो राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चिंता है, अब जो रिफॉर्म का प्रोसेस है उसमें उसमें भी एक कैबिनेट सब कमेटी ऑलरेडी है राजेश धर्माणी जी की अध्यक्षता में, तो बिजली बोर्ड को लेकर अब आगे क्या सोच रखा है, क्योंकि वहाँ कर्मचारी भी ज़्यादा है। जहाँ विजिलेंस के ठोस तथ्य नहीं होंगे और कैबिनेट सब कमेटी और लॉ का ये ओपिनियन होगा कि इनके रिजल्ट निकाल दिए जाते हैं, मेरा मानना है कि उसमें हमने काफ़ी रिजल्ट निकाल दिए और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय मुकेश अग्निहोत्री जी को मैंने कहा है, बातचीत भी है, कि बाकी के भी रिजल्ट तुरंत प्रभाव से निकाल दीजिए। दूसरा सवाल आपका बिजली बोर्ड से, दो सब बिजली बोर्ड की सब कमेटी है, उसमें राजेश धर्मानी जी के नेतृत्व में हमने बनाई है, भवानी पठानिया जी, और उसमें हमने ये फैसला किया कि हमारे जो खर्चे हैं वो क्या हो रहा है कि 2 से 2.5 रुपये के बीच में पर यूनिट सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी पर चले जा रहे हैं, और उसके बाद तो मेरे पास बिजली बोर्ड विभाग के अधिकारी भी मिले थे, उन्होंने हमें कुछ सुझाव दिए, बिजली बोर्ड के कर्मचारी नेता भी मिलते हैं, वो भी हमें सुझाव दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे करें। अब क्या होगा कि निचले स्तर पर खंभे लगाने वाले रहे नहीं और ऊपर स्तर पर ज़्यादा लोग आ गए, अफसर ज़्यादा हो गए। अब अफसर ज़्यादा हो गए तो अब मिल बैठ के वो जो मुझे सुझाव देंगे उस पर फैसला करेंगे। एक और मैंने कमेटी बनाई है जगत सिंह नेगी जी के नेतृत्व में, पावर कारपोरेशन का जो सोंगटंग प्रोजेक्ट है उसके इस मैटर को सेटल करें, ताकि 1,000 करोड़ रुपया आ रहा है, तो एक ऑफर आई थी कि इसको आप अगर इतनी हमको ज़्यादा एस्केलेशन रेट के साथ से देते तो हम इसको 26 में पूरा कर देंगे, अगर आप इसको नहीं देते तो हम 28 में होंगे। तो 2 साल का हमने कैलकुलेशन किया, उसका कैलकुलेशन किया तो उसमें कि अगर हम इनको इतने पैसे ज़्यादा देते हैं तो हमको इतने करोड़ की बजट होगी। मैंने बोला तुम फैसला करो भाई, जल्दी करो, क्योंकि प्रोजेक्ट 2 साल कम करने चाहिए, 2 साल कम करने चाहिए, 2 साल कम करके 2,000 करोड़ आ रहा है, वो बोलते कि हमें 300 करोड़ देंगे 2,000 करोड़ आ रहा है, तो उस बारे में तो इसमें ना थोड़ा सा ये हो जाता, पता नहीं क्या हो गया, अगर भ्रष्टाचार तो नहीं हो गया, ऐसी बातें आ जाती है। तो वो मैंने बोला एक सेटल करो उसको, बोर्ड सेटल करे, जबकि हमको तो स्टेट का फायदा देखना है। तो अभी मैंने उसके लिए भी जगत सिंह नेगी जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई, फिर हमने करुणा मूलक के लिए भी कमेटी बनाई है, वो भी हम करुणा मूलक का भी 2-2.5-15 साल से उसका भी मैं वन गो में सेटलमेंट करना चाहता हूँ, लटकाना नहीं चाहिए ना, करना कुछ करो, कोई फार्मूला लेके आए। फिर हमने ये कंप्यूटर टीचर्स का भी हम फैसला कर लिया, SMC का भी कर लिया, होम स्टेज की काफी कमेटियां बनाई, इनके सुझाव के बाद हम आगे बढ़ेंगे जी। हम सारी फैसले कर रहे हैं, अब ऐसा ना कि जो व्यवस्था परिवर्तन है ना वो उसके लिए भी समय लगता है, वो अगर हम सोचे 40 साल की बिगड़ी व्यवस्था को एकदम सुधर जाए, एक पहले तो करने वालों को सुधारना पड़ता है, पहले तो अधिकारियों से बात करके हम डालना पड़ता है कि इसका फैसला ही करना है, फिर उसके बाद राजनीतिक लोगों को समझाना पड़ता है, मंत्रियों से भी लेना पड़ता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजों को देख के आगे व्यवस्था परिवर्तन होगा, ये अभी आप ये सोचे कि पर काफी व्यवस्था परिवर्तन हो चुका है, अभी मैं 40-50% व्यवस्था परिवर्तन, 30-40 और करने की जरूरत है, और मैंने अभी अपने आप डेट फिक्स की कि और सुधार करेंगे। मैं चाहता हूं कि हिमाचल के जो लोग आवाज जिनकी नहीं सुनी जाती उनको मिले। अब हमने अनाथ बच्चों को 5,000 अनाथ बच्चे आज अपनी जीवन यापन इस तरह कर रहे हैं कि उन्हें ये फिक्र नहीं है कि मैं किसी के पास मांग रहा हूँ, उसको राज्य उसका हक दे रही है, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट दिया, सरकारी माता है, विधवाओं के बच्चों को मैंने हक दे दिया, 3 लाख की इनकम से मैंने बोला विधवा के सारे बच्चे होंगे वो भी सारे पढ़े, दिव्यांगों को हम हक देने जा रहे हैं। अब जो ये जो भी हमारे समाज के लोग हैं हमने उनके पास भी तो देना है। आपने एक अनाउंसमेंट हाल ही में किया है कि बुजुर्गों के लिए एक स्कीम, हाँ मैं अभी बता पाएंगे कि नहीं? नहीं, वो देखिए अधिकारियों से चर्चा है, बुजुर्गों के लिए स्कीम है, बुजुर्गों बहुत अच्छी स्कीम लाना चाह रहा हूँ, अब बुजुर्गों के लिए ये अगले बजट का पार्ट होगी, अगले बजट में आएगी और बजट की चीजें अभी शो नहीं कर सकती। अच्छा सर, एक बजट से ही रिलेटेड है वैसे और रोजगार से भी, इंडस्ट्री सेक्टर
बड़ी सारी चीजें जो हैं वो दर्शकों को भी हमारे पता है, चाहे बल्क ड्रग पार्क है, चाहे मेडिकल डिवाइस पार्क है, लेकिन अभी आगे की कार्य योजना क्या है? हिमाचल जैसा राज्य किस सेक्टर की इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहता है? तो कई बार प्रदूषण का भी एक मैटर रहता है, पर्यावरण का भी रहता है, और किस तरह की इंडस्ट्री को हम पॉजिटिवली आगे बढ़ाना चाहते हैं? और दूसरा, हमारा आउटरीच एफर्ट क्या है? बड़े सारे स्टेट्स, इवन हिमाचल भी पहले इस तरह की एक्टिविटी करता रहा है खुद को शोकेस करने का कि हम ये करना चाहते हैं फील्ड में। देखो, हमारा प्लान क्या है? जो मुझे, मैं किसी की बात नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ ये बात करूंगा कि जब मैंने अपने आप को सोचा, मैंने अपने प्राकृतिक सौंदर्य को देखा, हिमाचल की संस्कृति को देखा, हिमाचल के संस्कारों को देखा और हिमाचल के जीवन यापन और सादगी भरे जीवन को देखा, तो मैंने उस हिसाब के स्वभाव के हिसाब से मैंने इंडस्ट्रीज को हमने डेवलप करने की सोची और उसका पहले बजट में मैंने व्याख्यान किया। मेरे बजट को उस समय गंभीरता से नहीं लिया, कहाँ की सोच है ये, आज वो गंभीरता से इसलिए लेना चाहिए कि वो सब चीजें हो रहा है। उस समय पता नहीं, कई लोगों ने बोला कि पहली बार आया है, सरकार पे पता नहीं है, होता है, पर हम भी तो धक्के खा के आए भाई, हम अपने जीवन काल के हर स्टेप पे हम संघर्ष करके आए, तो संघर्ष करके हमको भी थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, आज वो पूर्ण हो रहा है। तो आज मैं कहना चाहता हूँ कि फिर पहले ही मैंने, हमारी इंडस्ट्री की प्रायोरिटी है टूरिज्म को हम प्रमोट करना चाहते हैं। टूरिज्म में कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का आकर, विदेश का भी आकर यहाँ 5-7 स्टार होटल बना सकता है, उससे क्या फायदा होता है? एक तो हमको GST मिलता है 28% बड़े होटलों का, और दूसरा वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलता है। हमारे बेटियाँ बेटे, मैं गोवा जाता हूँ वहाँ हिमाचल के, मैं बेंगलोर गया वहाँ हॉस्पिटलिटी सेक्टर में हिमाचल के, मैं दुबई गया वहाँ हिमाचल के, वहाँ क्यों जाए? तो ऐसा रोजगार हिमाचल में पैदा करना के लिए मैंने टूरिज्म कैपिटल ऑफ कांगड़ा डिक्लेयर किया, स्टेट की पहली टूरिज्म कैपिटल क्यों डिक्लेयर की? अब टूरिज्म के लिए चाहिए क्या? बच्चों वाला टूरिस्ट आता है, न्यू कपल टूरिस्ट आता है, तो टूरिज्म को ये सब चीजें देने के लिए सबसे पहले पानी की जरूरत है। तो पानी कहाँ है? धर्मशाला में 50-50 किलोमीटर बॉडीज है, तो हमने इसलिए किया। अगर हम शिमला में भी टूरिज्म को डेवलप करें, लेकिन यहाँ पानी की कॉस्ट बहुत जाती है, लेकिन मैंने बोला जहाँ होता करे, फिर उसके लिए क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बड़ा एयरपोर्ट नहीं बना सके। अब जयराम ठाकुर जी का डीम प्रोजेक्ट, हम उसको भी धक्का दे रहे हैं, लेकिन हमने बोला जो बना उसको एक्सपेंशन करे। और मुझे ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि अगले महीने से लैंड एक्विजिशन उसकी शुरू हुई। विरोध हुआ मेरा, मैंने अपने, हम आज सत्ता में है, आने वाली पीढ़ी को हम अच्छा समाज देकर देना चाहते हैं, युवा पीढ़ी को देना चाहते हैं, तो उसमें हमने किया और हेलीपोर्ट्स का निर्माण हो रहा है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि टूरिज्म में हमने, आपने देखा होगा, मैंने फैसला किया कि हम टूरिज्म सीजन होगा, जिस शॉपकीपर को 24 घंटे दुकान खुली रहनी है, शॉपकीपर पर निर्भर करता है, रेस्टोरेंट वाले पर निर्भर करता है, खुला रह सकता है, कोई पुलिस वाला तंग नहीं करेगा। इसको फैसले को लागू किया और हमारे को GST में 3% की उसमें वृद्धि हुई एक फैसले से, इसलिए सब चीजों को टूरिज्म को खोल रहे। दूसरा हाइड्रो सेक्टर, दूसरा हाइड्रो सेक्टर की हाइड्रो में हमारे राइट्स है कि हम नहीं बना सकते, इस प्रथा को बंद करो, हम ही बना सकते हैं इस प्रथा को लागू। अगर वो 10 साल बाद भी बनेगा ना, तो मेरे राज्य का होगा, मेरे राज्य के लोगों का होगा। मतलब पहले ये बहाना होता था कि प्राइवेट को दे दो, हमारी इन्वेस्टमेंट ड्रेन हुई है, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ भाई, हमको 12% दे के बोल दिया कि तुमको 100 करोड़ दे दिया और अपने आप को मारे 1200 करोड़। हम एक प्रोजेक्ट, आज देखो चाहे हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना रहे, कुछ तो मिल रहा ना हमको, पावर कॉर्पोरेशन हमको पैसा दे रही है, ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन पैसा दे रही है, अगर हमने ये 10 साल पहले बना दिए होते तो हमारी ये हालत क्यों बचती? अगर रूटीन गवर्नमेंट चलानी है तो मैं भी चलाता रहता, मैं उसमें बदलाव चाहता हूँ। एक तो दूसरा हाइड्रो है, तीसरा फूड प्रोसेसिंग जो हमारी जलवायु के अनुसार, और चौथा है डाटा स्टोरेज। ये चार इंडस्ट्री मेरी प्रायोरिटी, कोई आए आप भी लाओगे ना कल, तो मैं उसको बोलता हूँ कि 1 घंटे में आपका कर दू। यहाँ तो होता कि छोटी चीज में पता नहीं सोचते कि कुछ ले तो नहीं लिया, नियत ऐसी होती है। मैंने बोला इन चार सेक्टरों में जो भी आएगा तो उसकी 1 हफ्ते के अंदर सारी क्लियरेंसीज होनी चाहिए, क्योंकि चार सेक्टर, अब इन्वेस्टमेंट ड्रेन कैसे होता? अब मैं आपको बताता हूँ, ये चार सेक्टर मैंने बताया, कोई आए इसमें हम कोई रिबेट नहीं दे रहे 3 रुपए पर है। अब हमने बल्क ड्रग पार्क को भरा,
मेडिकल डिवाइस पार्क के ऊपर बिडिंग वाला। सुनो ना, अब देखिए मुझे दुख तो होगा, मैं 1 रुपये पूरा प्लॉट डेवलप करूंगा 100-200 करोड़ रुपए का, और बोलूंगा 1 रुपये मीटर के हिसाब से इसको जगह दे दो। दे दिया आपने, ठीक है, आपने भर दी। बोला 3 रुपये यूनिट आपको हम बिजली देंगे 10 साल तक, और हम खरीदेंगे कितने सर्दियों में, अक्टूबर से मार्च में 7 रुपये, राइट। फिर बोला हम आपको बेयर हाउस बना कर देंगे, मुफ्त का पानी देंगे, देखिए सब देंगे। ये इन्वेस्टमेंट ट्रेन नहीं है, अब हमारे पास वो 265 हेक्टेयर जगह, ठीक है, उसको अपने हिसाब से। अब मैंने बोला कि वहाँ जो भविष्य की दवाइयाँ हैं जेनरिक, उसको डेवलप करेंगे और हम कंपनियों को लाएंगे, उन कंपनियों को हम बोलेंगे कि आपको ये आती है कंपनियाँ, क्यों नहीं आएगी। मैं लाया एक टेरेस में वरुण बेवरेज, 280 करोड़ का प्लॉट लगाया। उन्होंने बोला जहाँ हमें कंसेशन देना वहाँ देंगे, पर कस्टमाइज पैकेज नहीं हम करेंगे। 4 कस्टमाइज पैकेज आए हैं, कैसे बांटी अपने इन्वेस्टमेंट ड्रेन किया। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मेरे को सब चीज़ों का पता लगा। और मैं हिमाचल के लोगों के लिए रात को भी बैठता हूँ, सुनता हूँ, अधिकारियों को सुनता हूँ, जो भी एक छोटा आदमी भी मेरे को अच्छे सजेशन देता तो मैं उसमें उस पर कार्य करता हूँ। कोई बेचारा गरीब किसान आकर भी मेरे को बोलता है कि ये गलत है, तो मैं उसको सुन कर काम करता हूँ। ये चीज़ें इन्वेस्टमेंट ट्रेन है। इन 4 प्रोजेक्टों में जिसमें हमारा इन्वायरमेंट ना खराब हो, 31 मार्च 2026 तक हम इसको ग्रीन स्टेट बनाना चाहते हैं, इस दिशा से हम आगे बढ़ते हैं। अब 2 सवाल पॉलिटिकल सर, जेपी नड्डा जी आज फिर आ गए हिमाचल, पर मुझे लगता है इस बार फिर से वो आपको कोई ध्यान देंगे, तो ये बार बार क्यों टारगेट कर रहे हैं कि सीधा मुख्यमंत्री को ही। ये मैंने ना अभी जो हम 34 से 40 हुए, तो मैंने एक नया ट्रेंड देखा। चलो कुछ तो पहले नहीं होता था, अभी आपने देखा ना, अभी जो पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल ही चल रहा है। सच से बता रहा हूँ, जब से हम 40 पर आए हैं तब से एक नया प्रकार का ट्रेंड देखा। कुछ तो चलो पार्टी के अंदर के लोग भी होते होंगे, चलो हर वो उनकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता, पर मैंने बीजेपी का ट्रेंड तो कुछ आपके यहाँ से गए लोग भी तो हो सकते हैं। वो तो चलो अच्छी बात है ना, वो उनको सब जानते हैं कि किस तरह से उनको है ना, उनको मैं उनके बारे में, पर मैं ये देख रहा हूँ कि नया ट्रेंड देखा आते ही ये है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। भाई मैं तो कोई गल आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि हम आपसे पूछ रहे कि आप क्या दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो हमको ये बताओ ना यार। आपदा के बाद का जो पैसा वो तो दो। अब मैंने ये देखा कि कभी मैं दिल्ली में मेरी चल रही होती है, कभी मैं महाराष्ट्र में मेरे हमारे गुणगान हो रहा था, जम्मू से शुरुआत हुई पता नहीं पूरे हिंदुस्तान में। कल वो मेरे साथ ना वो एक इंटरव्यू लेने वाले आए थे, तो मैंने उनको पूछा कि सीतारमन जी तो फाइनेंस मिनिस्टर है, RBI है, आप उनसे पूछते हैं कि इनकी ट्रेजरी का हाल क्या। क्योंकि देखो आपको फैसला लेना है कि इस 3 करोड़ को रोकने के लिए आपको 1 महीने के लिए किया। और मैंने देखिए मैंने कहा कि पहले हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए मंत्रियों को, अगर हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की 4 दिन लेट करनी है और 5-8 दिन हमने पेंशनों की करनी है, तो पहले हम 2 महीने का हम करें। वो एक सिंबॉलिक है कि हमने पहले स्वीकार किया और आज को हमने ठीक किया। तो इस चीज को पूरे और अभी नड्डा जी बोले अच्छी बात है, परफेक्ट से बोले। और सबसे बड़े झूठ के सौदागर तो हमारे जयराम ठाकुर जी है, आए दिन स्टेटमेंट देते, आज भी बोल रहे थे कि वो ट्रॉमा सेंटर ऐसा है, 2 करोड़ बिना चलाए खर्चों के सफाई भी तो करवानी है वहाँ, मैं गंदगी रखूँ आपकी तरह। और मैंने ट्रॉमा सेंटर बनाकर वहाँ 8 घंटे डॉक्टर की ड्यूटी लगाई है, सब जगह बेड लगाया, एक्स्ट्रा स्टाफ दिया है। ये सोच है, हम राजनीति में हैं तो इसका एक सोच है, कोई कुर्सी परमानेंट नहीं है किसी की जी। इसमें एक सोच और अच्छी थी। और मैं आपको आज कह रहा हूँ ये दोनों मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश के सबसे बेस्ट होंगे। नेक्स्ट फेज में ये 4 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश के बेस्ट होंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी की मैंने मशीनों के ऑर्डर दे दिए, वो पैसा नहीं खर्च कर रहे हो, तो सब पैसा जो मैंने 2200 करोड़ पिछले साल कमाया और इस साल उसमें और इंक्रीज हो रहा है। अब तो परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज होगा ना, एक के बाद जैसे कि 2200 से अब 400 करोड़ रुपया और 2600 हो जाए तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो पैसा खर्च कर रहे हैं, डे बोर्डिंग स्कूल बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। 180 करोड़ दे के मेडिकल कॉलेज बनता, हम तो सारे कर रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान में, हेल्थ के क्षेत्र में 24वें स्थान में कहाँ है। और ये जो डिस्कॉम है ना हमारी जो बिजली बोर्ड है 58 है, उसमें 51वें स्थान में बहुत डाउन है। तो ये कौन थे सत्ता में,
आज मुझे ये पता नहीं चर्चा हो रही है, चलो करने दो, सब देख रहे। अच्छा, दूसरा पॉलिटिकल सर, अभी आपके जो विधानसभा उपचुनाव हुए वापस आप 40 सीट्स पे आए, उसके बाद आपके अपने दल में मतलब अपनी पार्टी में बोर्ड कॉरपोरेशन जितने खाली हैं, बड़े सारे अभी मेजर भी खाली हैं, उनको लोगों को भी इंतजार है कि कब डिसीजन। नहीं, अब अर्थव्यवस्था में सुधार हो गया, अब एक दो महीने में सब करेंगे। अच्छा, जो खाली हैं उनको। और एक मैं बताऊं, खर्चा भी करना पड़ता है, हमारा 300 करोड़ 6,000 करोड़ खर्च करना है साल, अभी तक खर्चा नहीं हुआ। एक्सपेंडिचर होगा तभी तो ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, अब मेरी तरफ से तो सर आखिरी सवाल, कई लोग बोलते ना कि ये कई, मैं बताना चाहूँ, ये सीएम का ऑफिस बन रहा है, ये मेट्रो बोर्ड बन रहा है, ये खर्चा करना पड़ता है, रोड बनाने पड़ते हैं तब पैसा आता है, इनको मैं समझाना चाहता हूँ। नहीं, वो बहस इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि सैलरी 5 दिन रुक गई। नहीं, तो सैलरी को मौका मिल जाता है, सैलरी 5 दिन उसकी। उस बहस में आपको ये बोलना था कि मंत्रियों ने पहले अपनी सैलरी 2 महीने रोकी। हाँ, ये चीज आप भूल गए। अच्छा, अब सर लास्ट मेरी तरफ से, क्योंकि दीपावली आगे आ रही है और वो भी है, दूसरी तरफ जो डिफरेंट सेक्शंस में लोग कॉल देते रहते हैं, कभी पेंशनर, कभी एम्प्लॉई, कभी कुछ, लेकिन जो पेंडेंसी हमारे सामने है, बड़ी बार आपने विधानसभा में क्लियर भी किया है कि किस तरह से हम शेड्यूल अपना बना सकते हैं देनदारी चुकाने के लिए, लेकिन क्या हम अभी इस स्टेज पे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब अगले बजट से पहले, या आप कहिए कि आगे दिवाली पर कुछ इस तरह का जो अदर देन सैलरी है कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं? बहुत उम्मीद कर सकते हैं हम, उम्मीद पर दुनिया कायम है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 1 तारीख को मिलेगी क्योंकि कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट ठीक हो गया। पेंशनर का भी हम ठीक कर रहे हैं। okay. अभी 9 तारीख है, उससे भी हम अब कम करेंगे। okay. और निश्चित तौर पर करेंगे, इसमें कोई नहीं। और इसके अलावा जो उनकी देनदारियां वो भी मैं सब दूंगा और उनको अधिक भी मिलेगा। okay. पर अभी हम उसके लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, अभी 6 महीने फैसलों के है। okay. और 6 महीने में फैसले, मेरा 6 महीने का मकसद है 31 मार्च तक, अगले बजट तक, बजट प्रस्तुत होने तक मुझे फैसले लेने। कोई सोच सकता था पुलिस कर्मचारियों को 8 या 9 रुपए मिलते थे, 270 मैंने सीधा 1,000 रुपए किया बजट में। अभी बेचारे मुझे रेडियोग्राफर मिले, लेबोरेटरी टेक्नीशियन मिले, ओटीए मिले, स्टाफ नर्सेज मिली, 10,000 रुपया मिल रहा है। मेरिटोरियस बच्चों के, वो मेरिटोरियस रेडियोग्राफर मेरिटोरियस लगते हैं, ओटीए मेरिटोरियस लगते हैं, लेबोरेटरी जिनकी आईजीएमसी में गए। मैंने कहा कि अगले बजट में तुम्हारा दुगना करूंगा मैं पक्का। क्यों? ये शोषण है, और ये शोषण है, इसके अलावा ये देखना पड़ेगा, ये तो सिर्फ हम टेम्परेरी, बाकी उनको कंपटीशन के थ्रू अपने हम पोस्टें निकाल रहे हैं उसमें आना। ये नहीं करना कि अब ये शोषण है कि हम आउटसोर्स पर लग गए तो ये शोषण है, तो ये नहीं है। आउटसोर्स तो तुम्हें टेम्परेरी है, वो कभी नहीं होगा। उस जब हम पोस्टें निकालते तो अपने उन कंपटीशन में बैठना और सरकारी नौकरी में पैर पसा लेना। सर, पर ये तो आपको भी पता है कि आउटसोर्स जो सिस्टम है ना, वो टेंपरेरी। तो फिर हम सरकारी विभागों में क्यों आउटसोर्स? नहीं, ये जल्दी करना है। अच्छा, मतलब स्टॉप गैप, स्टॉप गैप अरेंजमेंट है ये। अब आपका नर्स, अब डॉक्टर निकाले 200 पद, फिर भारत सरकार ने NHM के थ्रू कुछ पोस्टें दी है जो आउटसोर्स पर ही हो सकती है। उनको 50-50 ITI की ऊना के चार, मैंने एक ओवरसीज डिपार्टमेंट बनाया। अच्छा सर, एक तो जो आपनी आगे, क्योंकि फेस्टिवल सीजन, अब दिवाली आगे आ रही है, प्रदेश के लोगों को कोई शुभकामना देना चाहते हैं तो? सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा हिमाचल प्रदेश का परिवार सुखमयी हो, खुशियां भरा हो, यह त्यौहार प्रत्येक परिवार में खुशियां लेकर आए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी हिमाचल वासियों को। जय हिंद, जय हिमाचल। सर, हमारे से बात करने के लिए